हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन एकेडमी। सो जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए, मैं वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ योर नॉट। ऑडियो वीडियो क्लियरिटी है क्या सभी को? चेक इट वंस। सो विल स्टार्ट द सेशन। गुड इवनिंग ललित, एक बार चेक कर लूँ माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल। ओके, चलिए। सो ठीक है, आवाज आ रहा है आप लोगों तक? सो विल स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन अनाउंसमेंट। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग अनअकैडमी का लेते हैं तो आपको सबसे पहले टारगेट एग्जाम देख लीजिए। आपके पास गेट है, ईएसी है, सीएसई, आई आर एम एस है ना, देर आर डिफरेंट टारगेट एग्जाम्स आते हैं। तो आपका जो भी टारगेट अकॉर्डिंगली यू कैन चूज। गोल आपको गेट सीएसआईटी चूज करना है। अगर आप उड़ान और बुनियाद बेंच में एनरोलमेंट, देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गोल्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द बेच, आप कौन सी बेच को ज्वाइन करना चाहते हैं। सो अगर आप उड़ान या बुनियाद बेच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर उस केस में आपको गोल सिलेक्ट करना है गेट सीएस एंड आईटी। 2024 के लिए उड़ान बैच है, और अगर आप 25 के लिए एनरोलमेंट करते हैं देन आप बुनियाद बैच को वहां पे क्या करेंगे, चूज करेंगे। सिंपली नीड टू अप्लाई द कोड दैट इज GA1111। ये कोड अप्लाई करने के बाद आपको जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है उसका जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो आपका रिड्यूस होके कम हो जाएगा। दैट वुड बी द कंप्लीट सीएसआईटी टीम फॉर द अनअकैडमी एंड गेट अकेडमी। तो अनअकैडमी गेट अकेडमी का कंप्लीट सीएसआईटी टीम ये है। तो आप इस टीम के साथ में अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर द 24 एंड 25। ओके, डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान से 6 मंथ, 12, 18 एंड 24। यू कैन गो विद द 18 और 24 मंथ प्लान। तो अकॉर्डिंग टू द वॉट वी कैन से, आपका कौन से ईयर में एग्जामिनेशन आप लोग देने वाले, अगर 24 में देने वाले हो तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो, 25 में देने वाले हो तो फिर अकॉर्डिंगली आपको प्लान क्या करना है, चूज करना है। एक और यहां पे बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में कोर्स है प्रतिज्ञा बैच, ठीक है। तो मोस्ट मतलब मान के चलिए कि इस प्राइस में ये बैच मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो बहुत कम प्राइस में आपको मिल रहा है तो आप इस पर्टिकुलर बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्लास अभी चल रहा है। सो अपकमिंग सेशंस यहाँ पे जो न्यू सब्जेक्ट है वो मेरा अभी शुरू होने वाला है इसी के ऊपर। तो आप यहाँ पे इसको देखिए, ऑलरेडी जो करंट प्राइस है दैट इज 6000 अप्रोक्सीमेट, और अगर आप GA1111 कोड अप्लाई करेंगे तो 4600 इंक्लूडिंग द GST आपको ये मिलेगा। दैट इज द कंप्लीट प्रतिज्ञा बैच टीम। तो ये टीम आपको वहां पे प्रिपरेशन कराएगा प्रतिज्ञा बैच के अंदर, ठीक है। तो इस टीम के साथ आपको 24 और 25 की प्रिपरेशन करनी है तो डेफिनेटली आपको वहां पे लाइव गेट क्लासेस बाय गेट एकेडमी वाला गोल चूज करके और सब्सक्रिप्शन प्लान आपको परचेस करना होगा। रुद्रा कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर साथ है, इसके लिए आपको गेट सीएसआईटी 100% इंग्लिश में अगर आप लोग कोर्स वॉच करना चाहते हैं देन यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर रुद्रा कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और 15 to 30 month सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ पे भी अवेलेबल है आपके पास में। और अगर आप इसके अलावा सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, यू कैन चूज दिस पर्टिकुलर प्लान। तो यहां आप देख सकते हैं कि कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं बाय द गेट एकेडमी टीम वो आप लोगों को यहां पे मिलते हैं। और सिंपली आपको कोड अप्लाई करना है GA1111 ताकि आप 3999 मतलब अप्रोक्सीमेट 4000 रुपीज में कंप्लीट मोर देन 1100 आवर्स का रिकॉर्डेड सेशन। If you want to go with the Arjuna recorded video lectures, तो G drive courses only 3000 से start है, pen drive courses 9000 approximate से start है, ठीक है। अगर कोई भी क्वारी है तो आप इस स्पेसिफिक नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, इस पे कॉल करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट कल मॉर्निंग है, आप सभी बच्चों को टेस्ट जरूर देना है। कल 9:30 AM देयर इज अ टेस्ट, यू नीड टू अप्लाई द कोड GA1111। अगर आप टॉप रैंक में आते हैं तो आपको अप टू 100% तक स्कॉलरशिप वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट देना कंपलसरी, 101% आप लोग को टेस्ट देना ही है। अगर 24 या 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप टेस्ट को जरूर दीजिए, क्योंकि इफ यू आर द टॉप रैंकर तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज का बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप।
सो कोड GA111 जो हम बोल रहे हैं GA1111, सो इसको अगर आप अप्लाई करते हो तो बट ऑब्वियसली प्राइस वैल्यू तो डिक्रीज हो रहा है, कम कॉस्ट में आपको वो तो मिल ही रहा है, उसके साथ में गेट एकेडमी की कंप्लीट टीम का आप लोगों को साथ भी मिलता है। ठीक, तो जल्दी से आप अपने अकॉर्डिंग जिस जो प्लान आप चूज करना चाहते हैं, देयर आर वेरियस प्लान्स है ना, जो आपको फिट लगता है, जो आपके लिए सुटेबल है, यू कैन गो विद दैट प्लान। आई थिंक लास्ट सेशन में यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। ये लास्ट था, ओके, सो इसके बाद की क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करने थे, है ना। यस बेटा, आज मॉर्निंग में क्लास नहीं हुआ था, मैंने कल रात को ही उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दिया था, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास क्रिएट ही नहीं हो पा रही थी, तो क्लास क्रिएट ही नहीं हुई, तो इसलिए फिर हम आज मॉर्निंग में नहीं ले पाए। अभी 9:30 पे आप लोगों का सेशन है, मतलब आफ्टर दिस क्लास देयर इज अ सेशन, वो ऑलरेडी क्लास क्रिएट हो चुकी है, कल मॉर्निंग 7 की क्लास भी मैंने पहले ही क्रिएट कर दी थी, तो आज 9:30 पे भी क्लास होगी और कल मॉर्निंग 7 पे भी क्लास होगी, दोनों क्लासेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो आफ्टर दिस क्लास हम 9:30 पे अनअकैडमी एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए, सो ये क्वेश्चन तक तो हम लोग कर चुके थे, नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। You can see the question number 16 on your screen. There are different functions. You need to arrange the function according to their growth rate. Total 10 functions hai. Try it. Try kare beta sabhi. वॉइस नहीं आ रहा है, ओके, चलिए, सो एक बार और अनाउंस कर देता हूं, कल आप लोगों का 8 PM, कल रात को 8 बजे, है ना, मैराथन सेशन है DBMS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, तो इवनिंग 8 PM पे हम लोग शुरू करेंगे, मतलब रात को 8 बजे हम लोग शुरू करेंगे, तो 8 to 12 या 8 to 1, मतलब 4 to 5 आवर का सेशन में लेने वाला हूं वो, तो लॉन्ग सेशन होगा, उसमें हम मैक्सिमम PYQs को कवर अप करेंगे, देयर इज वन मोर सेशन, दो सेशंस होंगे आपके DBMS के PYQs के मैराथन के, उसमें आपके सारे DBMS के PYQ क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। गुड इवनिंग अंश, चलिए, सो क्या आ रहा है इसका रिजल्ट, ट्राई किया आप लोगों ने? यस ललित, DBMS PYQs पे दो सेशंस लूंगा मैं, उन दो सेशंस में सारे PYQ, अप्रोक्सीमेटली सारे PYQs हम लोग कवर अप करेंगे। एक सेशन कल होगा 5 आवर, 4 to 5 आवर का सेशन लेंगे, ठीक है,
लेट्स सी, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्रोथ रेट. कुछ फंक्शंस हमें दिए हुए, वी नीड टू अरेंज दैट फंक्शन, वी नीड टू अरेंज दैट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ रेट, है ना. तो ग्रोथ रेट के हिसाब से हम लोग देखते हैं अरेंज करके, और कौन सा ऑप्शन आता है आप लोग का, क्या आ रहा है, सी आ रहा है. ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी बच्चों का क्या आ रहा है, सभी बताएं. लेट्स सी, देखिए फर्स्ट फंक्शन एफ वन को देखे तो इट इज सिंपली, कैन वी से दैट इट बिकम एन क्यूब. ये एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर है, तो समहाउ ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी, ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द वैल्यू एन, तो एन मैंने यहां लिख दिया. फिर ये है एन लॉग लॉग एन, एन लॉग लॉग एन, ये है एन लॉग क्यूब एन प्लस एन स्क्वायर. सो इन दोनों में जो ग्रोथ है अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द एन स्क्वायर, सो मैं डायरेक्टली एन स्क्वायर ही लिख देता हूं. यहां पे आपको दिया है 21 स्क्वायर रूट एन प्लस 2 लॉग एन स्क्वायर, सो इट बिकम 2 लॉग एन. तो स्क्वायर रूट एन और लॉग एन में जो वैल्यू है स्क्वायर रूट एन बड़ा है, तो ग्रोथ रेट स्क्वायर रूट एन पे डिपेंड करेगा. सिमिलरली यहां पे 2 स्क्वायर रूट एन कॉन्स्टेंट को हम हटा सकते हैं, इसका ग्रोथ भी स्क्वायर रूट एन ही है. ओके, नाउ सी हियर, एफ 7 2 क्यूब लॉग एन, अल्टीमेटली इट इज लॉग एन. नाउ इफ इट इज 8 log square n plus 32 log n, so log square n का मतलब है it is log n into log n, so उसको log n whole square भी लिख सकते हैं. और f9 जो आपको दिया हुआ है, ये दिया है 1000 log n square, so log n square को 2 log n लिख सकते हैं, constant term को हटा देंगे, it is simply log n. And the last f10 is log n का whole cube, log n का whole cube, like this, okay. So among all, अगर हम highest ऑर्डर वाले फंक्शन की बात करें तो कैन वी गो विथ एफ वन, हम एफ वन के साथ जा सकते हैं, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर, एन क्यूब से बड़ा कोई नहीं है यहां पे. सो फर्स्ट एफ वन इज हाईएस्ट ऑर्डर अमंग ऑल, फिर एन क्यूब के बाद सेकेंड हाईएस्ट एफ फोर हो जाएगा आपका, क्योंकि एफ फोर एन स्क्वायर है, सो इससे लेस एफ फोर एंड इट इज द सेकेंड हाईएस्ट अमंग ऑल. फिर एन स्क्वायर के बाद अगर आप देखें तो फिर आपको यहां पे एक n मिल रहा है और एक n इंटू लॉग लॉग एन, सो n इंटू लॉग लॉग एन इज मोर देन दी n, सो वी कैन गो विथ f3, फिर हम लोग f3 के साथ जा सकते हैं. f3 हो गया आपका, ठीक है. f3 के बाद कैन वी गो विथ f2 बिकॉज इट इज n, तो f2 आ जाएगा, ठीक है, f2 आ गया. अब अगर आप यहां पे बात करें, सो स्क्वायर रूट n इज देयर, स्क्वायर रूट n इज देयर, देन लॉग इन लॉग इन लॉग इन लॉग इन, ये लॉग इन के फंक्शंस है और बाकी फंक्शंस है आपके स्क्वायर रूट एन के. तो 5 और 6 दोनों की ग्रोथ तो सेम है क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट एन ही है, तो यहां पे हम एफ फाइव एफ सिक्स दोनों लिख सकते हैं. सो एफ फाइव इज इक्वल्स टू एफ सिक्स, ठीक है, ये हो गए. नाउ सी हियर, अब इनमें क्लियरली हमें समझ में आ रहा है 7 और 9, 7 और जो 9 है आपका, F7 is simply log n. If it is log square n, मतलब it is log n whole square. F10 is log n cube. तो log n cube यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा. F10 हमें पहले लिखना होगा. So देखिए यहाँ पे F1 हो चुका है. F1, F4, F3, F2, then F5. F5 and F6, okay, F5, F6 हो गया, then F10, F10, this one, then F8, and after F8, 7 और 9 का equal है, तो 7 and 9 is equal, तो 7, 9 equal है, 5, 6 equal है, इसमें आप order change भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो ये ऑर्डर आपको कहां पे मिल रहा है, 9, 7, 8, 10, 6, 5, 2, 3, 4, 1. कैन वी गो विद ऑप्शन ए, कैन वी गो विद ऑप्शन ए, ए इज द करेक्ट आंसर. यस, सो ऑप्शन केयरफुली चूज करें क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं, यहां इस पॉइंट तक सिमिलर है, यहां थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है, तो ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हैं. लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 17. ट्राई दिस वन एंड टेल मी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. देर आर
सेवन फंक्शंस, यस देर आर सेवन फंक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, राइट एंड टेल मी. क्या आ रहा है 17th का बी? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी बच्चों का क्या आ रहा है? व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी का क्या आ रहा है? बी, ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं. देखिए फर्स्ट फंक्शन एफ वन की बात करें तो फंक्शन एफ वन में आपको क्या दिया हुआ है, 2 to the power n + n to the power 100. एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्रोथ हमेशा ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा लार्जर वैल्यू पे ये आपको हायर रिजल्ट ही देगा. सो व्हाट वी कैन से, 2 raised to n, अल्टीमेटली एफ वन इज नथिंग, इट इज 2 raised to n. एफ टू अगर आप देखें तो 2 raised to 2n मीन्स इट बिकम 4 raised to n, इट बिकम 4 raised to n. फिर एफ थ्री इज लॉग इन, व्हाट विल बी द बेस ग्रोथ का कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, बेस 7 है तो ठीक है, बट अल्टीमेटली इट इज लॉग इन. एफ फोर की बात करें सो एफ फोर इज स्क्वायर रूट n, 3 कांस्टेंट है तो मैंने उसे हटा दिया. एफ फाइव अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों टर्म्स में डिपेंड्स ऑन द n स्क्वायर बिकॉज लार्जर है वो. एफ सिक्स तो कॉन्स्टेंट है, 1 है, और एफ सेवन जो है वो n है, देखिए अगर फंक्शंस को हम गौर से देखेंगे तो वैसे ही हमें चीजें समझ में आने लगेगी. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे स्मॉलर अमंग ऑल अगर हम लोग देखें तो एफ सिक्स है क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है. फिर कांस्टेंट के बाद स्क्वायर रूट एन को हम लोग लिख सकते हैं या लॉग इन को लिख सकते हैं. एफ सिक्स के बाद एफ थ्री, लॉग इन स्मॉलर होगा. फिर स्क्वायर रूट एन, एफ फोर स्क्वायर रूट एन, फिर स्क्वायर रूट एन के बाद एन पे जा सकते हैं हम लोग, एफ सेवन. फिर एफ सेवन के बाद कैन वी गो विथ एफ फाइव? यस, एफ फाइव को हम लोग कह सकते हैं क्योंकि वो एन स्क्वायर है. और आफ्टर एफ फाइव इट इज एफ वन एंड देन इट इज एफ टू. एफ टू की ग्रोथ सबसे ज्यादा है तो 6 3 4 7 5 1 2 कैन वी गो विथ ऑप्शन बी? तो बी इज योर आंसर, एग्जैक्टली. तो बी सही आंसर होगा, है ना. तो आपको यहां पे फंक्शंस बहुत सारे दिए हुए, आप उनको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. फिर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अगर हमें बहुत बार फंक्शन देख के ही चीजें समझ में आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन पुट द वैल्यू एन के लार्जर वैल्यू के ऊपर, आप लोग उनको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है.
चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। इनको अरेंज करिए अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ रेट। यहां पे ऑप्शन में F7 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 2 5 3 2 5। F7 को एज्यूम दैट देयर इज नो F7। अगर इन फोर में से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आता है देन यू कैन गो विथ नन, राइट। ओके क्या आ रहा है ऑप्शन? नन। सो फंक्शन F1, जस्ट लुक एट द फंक्शन F1 इज n रेज़ टू 4, फंक्शन F2 इज n प्लस लॉग इन मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। सो अगर आप लॉग इन को 4 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी ग्रोथ n से कम ही रहने वाली है, n के बराबर नहीं होगा। सो व्हाट वी कैन से इट इज n। F3 इज n log n, F4 is n, and F5 is 2 raised to n. So among all, the highest growth function is F5 because it is exponential function. ठीक है? फिर n raised to 4, can we go with F1? So F1, okay. After that आप देख सकते हो F4 और F2 का जो growth है, वो equal है, but F3 का जो growth है, वो ज़्यादा है, है ना? तो F3 पहले आ जाएगा. F3 पहले आ जाएगा ना, आफ्टर F3 के बाद आप F2 F4 लिख सकते हैं, F2 F4, इन दोनों का ग्रोथ इक्वल है। यू कैन राइट दैट इन एनी ऑर्डर, बट यहां पे 3 1 5 होना चाहिए जो कि हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा। सो वी कैन गो विद ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ई सही आंसर है आप लोगों का। ओके लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 19, ट्राई एंड टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर।
सभी बच्चे ट्राई करें और बताएं कि क्या होगा इसका आंसर. ट्राई इट एंड टेल मी. Try this. अगर आपको लगता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, यू कैन गो विद दैट, है ना. मतलब अगर ऐसा लग रहा है तो आप टिक कर सकते हैं. वैसे मेरे हिसाब से एक ही करेक्ट आंसर मिलेगा आपको, एक ही सही ऑप्शन है. ठीक, चलिए लेट्स सी. फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज 7n to the power 6 प्लस 3n raised to 4 प्लस 17n plus 9, एंड आई नीड टू डिवाइड दैट बाय वैल्यू 0.01n³ मल्टीप्लाई बाय n raised to -1. देखिए अल्टीमेटली अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये जो वैल्यू है ये अल्टीमेटली किस ग्रोथ को फॉलो करता है? n to the power 6 को. यू कैन डायरेक्टली राइट n to the power 6 इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इग्नोर रिमेनिंग ऑल टर्म्स. और ये 0.01 तो कॉन्स्टेंट है, इसको हटाया. n³ मल्टीप्लाई बाय n to the power -1 इज n² सो डिवाइड बाय n² सो इज नथिंग, इट इज अल्टीमेटली n^4. अब पहला ऑप्शन बोल रहा है कि n^4 को बिगो ऑफ n^7 लिख सकते हैं, यस, बट बिगो ऑफ n^6 भी लिख सकते हैं क्योंकि n^4 से बाकी सब बड़े ही तो है. 5 भी बड़ा है, 6 भी बड़ा है. सो ऑप्शन ए तो फॉल्स है. बी में बी भी फॉल्स है क्योंकि ये बोल रहा है बट नॉट बिगो n^5. फिर यहां पे ऑप्शन सी भी फॉल्स है बिकॉज ये बोल रहा है इट इज बिगो ऑफ n^4 बट नॉट बिगो ऑफ n^2. क्या बोल रहा है? इट इज बिगो ऑफ n^5 बट नॉट बिगो ऑफ n^4. सो n^4 इज ऑल्सो बिगो ऑफ n^4. कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट हम लोग कह सकते हैं कि n^4 इज नॉट बिगो ऑफ n³ क्योंकि n³ की ग्रोथ n^4 से कम होती है. सो वी कैन गो विद ऑप्शन डी. तो डी के साथ हम लोग को यहां पे जाना चाहिए. यस यस एग्जैक्टली, बट नॉट की वजह से बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो गए. ओके, सो वी कैन गो विद ऑप्शन डी. चलिए लेट्स ट्राई द क्वेश्चन नंबर 20. सबसे पहले 20 क्वेश्चन को सॉल्व करें, देन गो विद द क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 20 से बताइए क्या होगा आंसर. ट्वेंटी क्वेश्चन इज सिंपली विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट इन बिगो ऑफ n² नॉट इन पूछा है ना. सो कैन वी से दैट n इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट इन ओमेगा ऑफ n² सो n इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ n² होगा क्या? सो n इज नॉट इज ओमेगा ऑफ n². सेकेंड ऑप्शन की बात करें, n² इज ओमेगा ऑफ n² यस इट इज करेक्ट.
थर्ड की बात करें एन स्क्वायर लॉग एन, सो ओमेगा में जो फंक्शन होना चाहिए उसकी ग्रोथ लेफ्ट हैंड साइड से लेस होनी चाहिए, यस लेस है। और एन क्यूब की अगर हम लोग बात करें तो ये इसमें भी करेक्ट है। तो विच इज नॉट एन, सो ए इज नॉट एन, ए इज नॉट एन। सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है, ए इज नॉट एन बिकॉज एन इज नॉट इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। बाकी सभी को आप ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर लिख सकते हो। आई बात समझ में? ओके, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 21। ट्रादिस कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फाइव स्टेटमेंट्स है, इनमें से आपको कितने स्टेटमेंट्स सही लगते हैं ये क्वेश्चन में पूछा है। यस, पी वाई क्यू बेटा कल डीबीएमएस का मैराथन है 8 PM से, तो उसमें हम लोग डीबीएमएस PYQ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 50% क्वेश्चंस कल के सेशन में होंगे, रिमेनिंग 50% देर इज वन मोर सेशन, दो सेशन लेके सारे क्वेश्चंस में कवर अप कर दूंगा। यस कंप्लीट। चलिए क्या आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए आपका रिजल्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट सही है ये आपसे पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या बोला है, इफ एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि एफ एन और जी एन दोनों का ग्रोथ जो है वो सिमिलर है, ठीक है। एंड एच एन इज थीटा ऑफ जी एन, इसका मतलब है कि इसका ग्रोथ एच एन के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम इन दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए अगर ये तीनों एन है तो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन एन स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या जी एन की ग्रोथ के बराबर होगा? नॉट पॉसिबल। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है। लेट्स ट्राई द सेकेंड वन, सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन, एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन, इसका इससे हम लोग यहां पर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एफ एन की ग्रोथ है वो जी एन से ज्यादा है, तभी हम एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन कह सकते हैं, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। और एच एन की जो ग्रोथ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी एन है, ग्रोथ रेट ऑफ एच एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एन, ठीक। तो जब हम इन दोनों फंक्शन का एडिशन कर रहे हैं, इसको सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं कि एफ एन सपोज आपका एन है, n is greater than equal to gn suppose आपका log n है, और hn को आप n या n square कोई भी function ले सकते हैं जो कि greater than equal to log n है। so if I am taking addition of these two function, so growth rate of this is greater than this, definitely जब एक की growth ज़्यादा है तो दोनों का addition की growth भी greater ही होगी, तो we can write that in terms of omega, मतलब second statement आपका absolutely correct है। so second statement is absolutely correct। Let's try the next statement 3. If fn is big O of gn,
देन जी एन इज ओमेगा ऑफ एफ एन, यस इट इज ऑल्सो ट्रू. ये ट्रांसपोज प्रॉपर्टी होती है, एफ एन इज बिगो ऑफ जी एन, देन जी एन इज ओमेगा ऑफ एफ एन. इफ एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन, देन जी एन इज थीटा ऑफ एफ एन, यस इट इज ऑल्सो ट्रांसपोज, थीटा इज ट्रांसपोज ऑफ इट सेल्फ. सो सेकेंड आपका सही था, थर्ड आपका सही है, फोर्थ जो है आपका वो भी सही है. लेट्स ट्राई द फिफ्थ, लास्ट ऑप्शन फिफ्थ. इफ एफ एन इज लॉग ए एन, देखिए एफ एन आपको क्या दिया हुआ है, लॉग बेस ए एन दिया हुआ है, या द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन टू, और ये आपको दिया है लॉग बेस टू एन. ठीक है, आपसे बोला है क्या ये नॉट इक्वल है. अब देखिए यहां पे कहीं पे भी नोटेशन नहीं लगाया हुआ है, तो ये सिर्फ फंक्शन की बात कर रहे हैं. तो अगर ग्रोथ रेट के टर्म में बात करें, ग्रोथ रेट की अगर बात करें, तो व्हाट वी कैन से, दे आर इक्वल. ठीक है, बट अगर ये सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा है कि ये दोनों फंक्शन में कौन सा फंक्शन बड़ा है, तो कैन वी से दैट कि दिस वन इज ग्रेटर देन दैट वन, बट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ दे आर इक्वल. तो या तो अगर क्वेश्चन में यहां पर ऐसा लिखा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ रेट, ठीक है, तो फिर लास्ट ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा. लेकिन यहां पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ रेट पूछा है, उसे सिर्फ फंक्शन की बात की है. तो अगर फंक्शन की बात की है तो ये नॉट इक्वल है, ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है, अब अगर यहां पे थीटा या कुछ और ग्रोथ रेट के बारे में बात करता, देखिए सिंपल सा याद रखिए, इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स में बात करूं, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये दोनों नॉट इक्वल है. तो इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी थीटा बिगो या कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये मैथमेटिक्स है. लेकिन अगर हम इसको कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में बात करें तो ये इक्वल है. चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, 22nd. यू नीड टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट. थ्री स्टेटमेंट्स आपको दिए, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स आपको सही लगते हैं. ट्राई एंड टेल मी Which statement is correct? Tomorrow morning there is a class. Yes. अभी एक क्लास अभी भी है 9:30 PM ऑन अन अकेडमी एप्लीकेशन, एंड टुमारो मॉर्निंग देर इज ऑल्सो क्लास. ठीक है, दोनों क्लासेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है. तो इवनिंग में अभी 9:30 पे हम लोग सेशन को लेंगे, आफ्टर दिस यूट्यूब सेशन के बाद फिर हम अन अकेडमी एप्लीकेशन पे स्पेशल क्लास लेंगे. तो सभी लोग वहां आ जाइएगा, और कल मॉर्निंग भी क्लास होगा. Yes, algo revision. Yes, algorithm revision class. Definitely. ट्वेंटी सेकेंड का आंसर क्या आ रहा है बेटा, ट्राई करो. आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन. Let's see, for what first statement says, पहला आपको बोल रहा है कि for all asymptotically positive function fn, fn plus little o of fn is theta of fn. They are writing like this. देखिए ये little o of fn है, मतलब suppose ये function आपको कोई gn दिया हुआ होगा, so it is kind of fn प्लस जी एन इज थीटा ऑफ जी एन. एग्जैक्टली व्हाट वी कैन से, एफ एन अगर सपोज कोई फंक्शन एन है सपोज, तो ये जी एन फंक्शन क्या होगा, तो जी एन इज लिटिल ओ ऑफ एफ एन. एफ एन कितना है आपका, एन है, तो जी एन की जो ग्रोथ है
वो एन से स्ट्रिक्टली लेस है, मतलब ये स्क्वायर रूट एन हो सकता है, इस थीटा ऑफ एफ एन, एफ एन क्या है, एन है। तो जब हम एक फंक्शन आपका एफ एन है और ये जो फंक्शन है ये एफ एन से लेस है, अब दो फंक्शन का एडिशन करेंगे तो ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी, जो ग्रेटर टर्म है। सो फर्स्ट एफ एन टर्म इज ग्रेटर, सो अल्टीमेटली एफ एन प्लस लिटिल ओ ऑफ एफ एन इज नथिंग, इट इज एफ एन ओनली। सो एफ एन को थीटा ऑफ एफ एन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो यहां आप कंफ्यूज ना हो, आप ये लिटिल ओ एफ एन दिया है मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। सो यू वॉन्ट टू राइट दैट इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, तो आपको इसकी प्लेस पे जी एन लिखना होगा। अब जी एन फंक्शन क्या होगा, उसकी ग्रोथ एफ एन से लेस होगी, तो यहां पे ये एफ एन है ये एन है, तो जी एन की ग्रोथ उससे लेस होगी तो वो स्क्वायर रूट एन होगा। तो दोनों का जब एडिशन करेंगे तो वो थीटा एन आएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अगर आप फर्स्ट को गलत बोल रहे हो तो ये आप गलती कर रहे हो, फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? लेट्स सी द सेकेंड स्टेटमेंट। देखिए यहां पे क्या दिया, लिटिल ओ एफ एन इंटरसेक्शन ओमेगा एफ एन इज इक्वल्स टू फाइ। अब इसको लिटिल ओ एफ एन का मतलब क्या है, सपोज हमने यहां पे एक फंक्शन एच एन लिया, एच एन इज लिटिल ओ ऑफ एफ एन, और एक फंक्शन हमने जी एन लिया दैट इज ओमेगा, लिटिल ओमेगा ऑफ एफ एन, है ना, ये दो फंक्शन है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी वांट टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ एच एन एंड जी एन, इट सेज दैट इट इज फाइ। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी फंक्शन एफ एन होगा, सपोज एफ एन एन है, तो एच एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, एन से लेस, स्क्वायर रूट एन, स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए। और यहां पे भी एफ एन तो एन ही रहेगा, जी एन क्या होना चाहिए, एन से स्ट्रिक्टली ग्रेटर, तो कभी भी ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली लेस है, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, सो कैन वी से दैट इंटरसेक्शन इज ऑलवेज फाई, सो इंटरसेक्शन हमेशा फाई ही होगा, इंटरसेक्शन हमेशा फाई ही होगा। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट। थर्ड है, फॉर एनी कॉन्स्टेंट एक्स वाई ग्रेटर देन वन एन टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बिगो वाई टू द पावर एन, तो एन टू द पावर एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्रोथ पॉलिनोमियल से ज्यादा ही होने वाली है, सो वी कैन गो विद ऑप्शन सी, मतलब थ्री भी सही है आप। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। फर्स्ट क्लियर नहीं हुआ, एक बार और देख लो। चलिए, एफ एन प्लस लिटिल ऑफ एफ एन इज इक्वल्स टू थीटा एफ एन। अब देखिए ये फंक्शन है तो ये भी हमें फंक्शन के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो आप, मैंने बोलता हूं जी एन इज इक्वल्स टू लिटिल ऑफ एफ एन, कैन वी से लाइक दिस, यस। तो अल्टीमेटली एफ एन प्लस यहां क्या आ गया, जी एन आ गया, सो एफ एन प्लस जी एन इज इक्वल्स टू थीटा एफ एन होना चाहिए। नाउ सपोज मैंने एफ एन का वैल्यू एन चूज किया, एन चूज किया, तो यहां पे एन आ गया, यहां पे भी थीटा एन आ गया। अब ये एन मैंने यहां पे पुट किया तो जी एन इज इक्वल्स टू क्या आ गया, लिटिल ओ ऑफ एन। इफ जी एन इज इक्वल्स टू लिटिल ओ ऑफ एन मतलब एन का जो ग्रोथ है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है जी एन से, तो जी एन जो भी फंक्शन होगा वो एन से तो कम ही होगा। So can I put square root n as an example? Yes. So gn क्या हुआ, square root n. So यहां पे मैंने put किया। अब ये दोनों फंक्शन का एडिशन ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी, n पे डिपेंड करेगी। So what we can say, n is equals to theta n. Yes, it is correct. आ गया समझ में? चलिए, ग्रेट। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड देखते हैं व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। ओके, देर आर थ्री क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन नंबर 23 को करें सॉल्व, then you can go with 24 and then you can go with 25. Okay,
चलिए, सो तीनों क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं 5 to 6 मिनट्स अप्रोक्सीमेट, दो दो मिनट आपको हर क्वेश्चन का सही आंसर निकालने में लगेंगे. सो ट्राई टू फाइंड रिजल्ट फॉर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस. ओके, तीनों क्वेश्चंस हो गए सभी के सॉल्व, 23, 24 एंड 25. ट्वेंटी थ्री का क्या आ रहा है आप लोग का डी एंड 24 इज व्हाट सी, 25 इज व्हाट इट इज, 24 इज बी, 25 इज सी. देखिए ये दोनों तो रिकरेंस रिलेशन है, तो रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते आना चाहिए आपको. फर्स्ट वाले में आपको बोला है ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट एंड इंक्लूड्स व्हाट. सो ये बिगो है, तो जो भी फंक्शन होगा उसका जो ग्रोथ है वो स्क्वायर रूट एन के इक्वल या लेस हो सकता है, कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता. तो कैन वी से एन इज इक्वल टू दिस, नो. कैन वी से ये स्क्वायर रूट लॉग इन बड़ा है, नहीं जा सकते, इसके साथ भी नहीं जा सकते. स्क्वायर रूट एन हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, तो वी कैन गो विथ ऑप्शन डी. तो डी सही है, डी में कोई दिक्कत नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर. 23rd का डी सही है. 24th के लिए टी एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन बाई एन. देखिए टी एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन बाय एन, ये आपको दिया हुआ है. कैन वी अप्लाई हियर द मास्टर्स मेथड फॉर सब्ट्रैक्ट एंड कॉन्कर रिकरेंस रिलेशन? क्या यहां पे मास्टर्स मेथड जो हम लोगों ने डिस्कस किया था सब्ट्रैक्ट एंड कॉन्कर रिकरेंस रिलेशन के लिए, क्या वो अप्लाई हो सकता है? तो वहां पे कुछ कंडीशन है. 23 कैसे किया, 23 कैसे किया? देखो बेटा ये बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट एन ऐसे है, ठीक है. अब यहां से आपको ऑप्शन चूज करना है. अगर मैं बोलता हूं 100 n, सो क्या 100 n में 100 तो कांस्टेंट है, हटा दो. क्या n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट एन लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते.
ये फंक्शन जो है इसका ग्रोथ इससे लेस देन इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर फंक्शन होता है, तो आप एन यहाँ नहीं लिख सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स है। सिमिलरली आप स्क्वायर रूट एन लॉग एन भी नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका ग्रोथ इससे ज्यादा है, तो सिर्फ यहाँ इस पोजिशन पे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा फंक्शन आ सकता है हुज ग्रोथ इज लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एन। बस यही किया मैंने और कुछ नहीं किया। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देखना है, तो यहाँ पे हम लोग मास्टर्स मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 1 बाई एन है, 10^-1 है, तो के का वैल्यू वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे के का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी कैन गो विद द इटरेटिव मेथड। तो अगर इटरेटिव मेथड से जाते हैं तो हम टी ऑफ एन माइनस वन की प्लेस पे उसका इटरेटिव वे, मतलब इसको अगर ओपन करता हूं मैं, तो टी ऑफ एन माइनस वन किसको कॉल करेगा, इट कॉल टी ऑफ एन माइनस टू प्लस 1 बाय एन माइनस वन, और ये 1 बाय एन पहले से था इसको एज इट इज लिख देंगे। देन एन माइनस टू को जब ओपन करेंगे इट कॉल टी ऑफ एन माइनस थ्री, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एन माइनस टू प्लस 1 अपॉन एन माइनस वन प्लस 1 बाय एन, ठीक। इस तरीके से ये ओपन होते होते कहां तक जाएगा, टी ऑफ एन माइनस के प्लस अप टू 1 अपॉन एन माइनस टू प्लस 1 अपॉन एन माइनस वन प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है। सो ये हो गया आपका इक्वेशन, यहां तक ये इक्वेशन हो गया। लेट्स सी यार, अब अगर हम लोग यहां पे देखें तो व्हाट वी कैन से, ये एन माइनस के, ये जो स्पेसिफिक वैल्यू है इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तब जाके ये टर्मिनेट होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है t ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, ठीक। सो t ऑफ 1 हमने यहां पे पुट किया प्लस अगला वैल्यू देखिए ओपनली ये 1 जा रहा है, ये नेक्स्ट 1 बाय 2 अप टू 1 बाय n, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन से हियर, ये इक्वेशन कुछ आपकी ऐसी बन रही है, 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 अप टू 1 बाय n ऑन सॉल्विंग दिस, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसका जो सम होता है, द सम इज इक्विवेलेंट टू लॉग एन, सो यू कैन गो विथ ऑप्शन ए। तो 24 का ऑप्शन ए आएगा बेटा आपका, लॉग एन, ठीक है। 21 का ऑप्शन ए आएगा, दैट इज लॉग एन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, 25 को देखते हैं। टी एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन बाई टू, टी एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन बाई टू, सो डिवाइड बाई टू इज द कॉन्स्टेंट टर्म, वी कैन इग्नोर, सो इट इज सिंपली टी एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन। आप यहां पे फॉर्मेट कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, यू कैन सी दैट इफ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, यहां जो लिखा होता है वो ए होता है, देन योर कॉम्प्लेक्सिटी इज डायरेक्टली एन टू द पावर के प्लस 1, सो इट इज एन टू द पावर के का वैल्यू कितना है, 1, 1 प्लस 1 इज हाउ मच, स्क्वायर, सो ये आपका रिजल्ट होगा, यू कैन गो विथ ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए 26 में आपको ए बी सी डी ई और एक क्वेश्चन एफ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ट्राई इट 1 बाय 1, मास्टर्स मेथड लगेगा, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला लगेगा, सब्ट्रैक्ट एंड कॉन्कर लगेगा, जो भी लग रहा है ट्राई इट एंड फाइंड आंसर 1 बाय 1।
सभी स्टूडेंट्स आंसर लिखिए बेटा। हो गए सारे? चलिए, हो गए क्या सभी के? कंप्लीट? ओके, लेट्स सी। फर्स्ट वाले में मास्टर्स मेथड लग जाएगा। इट इज एन टू द पावर लॉग बेस बी ए। सो एन टू द पावर लॉग बेस बी ए द वैल्यू बिकम एन। फंक्शन आपको एन क्यूब दिया है, एन क्यूब ग्रेटर है, सो डायरेक्टली योर आंसर इज एन क्यूब। यू कैन गो विद ऑप्शन बी। सेकेंड की बात करें, यहाँ पे अगेन मास्टर्स मेथड लगाएंगे। एन टू द पावर लॉग बेस बी, बेस कितना है इसका? 10/9। And the value is a, that is 1. Log 1 is 0, what will be the base? So n to the power 0 compare with n, which is greater? N is greater, then your answer is n. You can go with option a. So iske liye aap option a pe tick kar denge, theek hai? Option a pe tick kar denge. Now this one, n to the power log base b a, a kitna hai? 16. Isko 4 square likh sakta hu main. So it become n square. कंपेयर विद दी फंक्शन इक्वल, सो केस 3, एन स्क्वायर लॉग इन टू दी पावर के प्लस 1। यहाँ पे लॉग इन का टर्म, के का वैल्यू 0 है, तो इट इज एन स्क्वायर लॉग एन। यू कैन गो विद ऑप्शन सी। 3t n/2, सो इट इज एन टू दी पावर लॉग बेस बी ए, सो दैट इज लॉग 3। कंपेयर विद द फंक्शन एन, बट ऑब्वियस दिस वैल्यू इज ग्रेटर। लॉग 3 का जो रिजल्ट है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 1.5 आएगा। सो यू कैन गो विथ ऑप्शन डी, 1.5। चलिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक क्लियर है सभी को? फर्स्ट फोर क्वेश्चंस क्लियर है सभी को? फर्स्ट ए बी सी डी जो फर्स्ट फोर है उनके आंसर्स क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार अप्लाई कर दीजिए, then I will give you the answer for E. देखिए F के लिए भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे trees method आपको apply करनी है। n/3 and 2n/3, that addition is equals to n, then your complexity is always n log n, है ना? ये मैंने आपको shortcut भी बताया था कि उन दोनों की value का addition n के बराबर होता है तो complexity n log n होता है, ठीक है? D पे बेटा आपको simply क्या किया आपने, यहाँ से n to the power log base b a का value compute किया। log 3 बेस 2 कंप्यूट करोगे तो 1.5 आएगा। इट इज n टू द पावर 1.5 और यहां पे क्या दिया हुआ है n, तो दोनों में ग्रेटर कौन है? n टू द पावर 1. नहीं नहीं गलत कर दिए, n टू द पावर 1.5, देन यू नीड टू गो विद ऑप्शन b, नॉट d, यू नीड टू गो विद ऑप्शन b, b इज करेक्ट आंसर। n टू द पावर 1.5 लास्ट वाला, तो n टू द पावर 0.5 है, 1.5 मतलब 3/2, तो आपको b के साथ जाना है। ठीक है, अभी नाउ क्लियर? अभी क्लियर है सभी को? चलिए, ई वाला हम देखें। टी एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस लॉग एन। टी एन इज इक्वल्स टू t of n minus 1 plus log n. So ये जब recursive open करेंगे हम इसको, तो n minus 2 plus log n minus 1 plus log n, then t of n minus 3 plus log n minus 2 plus log n minus 1 plus log n. ऐसे similarly ये चलता जाएगा up to k step. तो जब के स्टेप पे हम लोग इसका एडिशन करेंगे
तो कुछ इक्वेशन आपकी ऐसी बनेगी, लॉग वन प्लस लॉग टू अप टू लॉग एन. सो व्हाट वी कैन से इट इज लॉग ऑफ वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री अप टू एन. सो लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल, इसको हम लोग फॉर द लार्जर वैल्यू वी कैन से दैट इट इज इक्विवेलेंट टू एन टू द पावर एन. सो एन लॉग एन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. सो एन लॉग एन इज योर आंसर सी. एन लॉग एन इज योर आंसर सी. ठीक है. सो यस यू नीड टू गो विथ ऑप्शन सी. लेट्स ट्राई दिस थ्री. इन तीन क्वेश्चंस के आंसर और बताइए क्या होंगे. जी एच एंड आई, क्वेश्चन जी का एच का और आई का. चलिए क्या आंसर आ रहा है जी के लिए. ऑप्शन बी ठीक है. जी के ए एच डी जी सी आई सी, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं. चलिए कोई नहीं, फर्स्ट वाले को आप ट्रीज मेथड के थ्रू सॉल्व करोगे. ठीक है. ट्रीज मेथड के थ्रू सॉल्व करने के बाद जब इसका जो रिकरेंस रिलेशन आप लोग का है ठीक है, अनइक्वल डिविजन है, ट्रीज मेथड अप्लाई करेंगे तो
तो आपके एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी सीरीज बनेगी, वो जीपी सीरीज का जो डिफरेंस है अगर वो 1 से लेस है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज एन बाई फाइव एंड सेवन एन बाई टेन, ये 7/10 है ना वैल्यू, 7/10 1 से लेस है, ये वैल्यू भी 1/5 1 से लेस है। इस ऑप्शन में देखिए ये क्या दिया हुआ है आपको, एन बाई थ्री 1 से लेस है 1/3, एंड दिस वन इज ऑल्सो लेस देन 1। तो जब ये वैल्यूज लेस देन 1 होता है तो उनका जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है उनका डिफरेंस भी 1 से लेस होता है, और अगर 1 से लेस डिफरेंस होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ठीक है, यू कैन गो विथ ऑप्शन ए फॉर बोथ दी क्वेश्चन, दोनों के लिए आपका आंसर ए आएगा, ठीक। आप या तो ट्री मेथड अप्लाई करके और रिजल्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट मेथड अप्लाई करके रिजल्ट आइडेंटिफाई करना होगा, tn is equals to 3t square root n plus log n, है ना, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, tn is equals to 3t square root n plus log n, now what we can do, n is equals to 2 raised to k put कर सकते हैं, so it is t of 2 raised to k is equals to 3t 2 raised to k by 2 plus log 2 raised to k, so टू रे इसको एस ऑफ के लिख सकते हैं, इट इज थ्री एस ऑफ के बाई टू प्लस के, सॉल्व करेंगे तो इट इज के टू द पावर लॉग बेस बी एंड द वैल्यू इज ए, यहां से ये इसका कॉम्प्लेक्स, ये इसकी वैल्यू है और यहां पे क्या आ रहा है, विच इज ग्रेटर दिस इज ग्रेटर, यानी आंसर इज थीटा के टू द पावर लॉग बेस बी वैल्यू, के का वैल्यू क्या होगा, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के इज लॉग एन, let's put that value here, so your answer is theta of log n to the power log base 2 3, you can go with option d, h ka d aa gaya, theek hai, chaliye, so I hope, great, all are correct, achhi baat hai, वेरी गुड, सो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे, समझ में भी आए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन को अप्लाई करना है, अप्रोच करना है। 9:30 PM मतलब जस्ट 10 मिनट के बाद हम लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन स्पेशल क्लास में मिल रहे हैं, वहां पे एल्गोरिथम का रिविजन हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, तो 10 मिनट के बाद आप लोग वहां पर मिल जाइए। ये एल्गोरिथम से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज थी वो सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोग को करवा दिए, डिवाइड एंड कॉन्कर भी करवा दिया, ग्रीडी भी करवा दिया, डायनामिक प्रोग्रामिंग भी करवा दिया और कॉम्प्लेक्सिटी भी करवा दिया, ठीक है। तो कल हम लोग डीबीएमएस पे मैराथन लेंगे और कल का मैराथन सेशन होने के बाद परसों से हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर शुरू करेंगे सेम टाइमिंग पे, कल भी सेम टाइम 8 PM पे आप लोगों को आना है डीबीएमएस पीवाईक्यू मैराथन के लिए, तो कल आपके जितने भी मैराथन क्वेश्चंस जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनको मैं मैराथन में कवर अप करूंगा, तो एक बहुत अच्छा मौका है सारे पीवाईक्यू को रिवाइज करने का और फटाफट उन कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने का, ठीक है। आज एल्गोरिथम का रिवीजन सुबह नहीं हुआ था, मैंने रात को टेलीग्राम पे मैसेज भेज दिया था, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसलिए अभी हम क्लास रख रहे हैं सुबह वाली, ठीक है, तो जल्दी से आप लोग आ जाइए एप्लीकेशन पे, विल स्टार्ट द रिवीजन, सो ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर।